भिडियो में पहिला सुरू के हाई कसरी गर्छ हाई गाइस कसरी गर्छ हाई गाइस कसरी गर्छ हाय एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजना, आप सभी लोगों को पता ही होगा। एंड ये है मेरी बेटी जो कि अभी फिलहाल 2 साल कंप्लीट कर चुकी है। एंड आज मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट पेमेंट के बारे में। एंड यूट्यूब जर्नी मैंने क्यों स्टार्ट किया, किस वजह से स्टार्ट किया एंड यूट्यूब से मैं कहाँ से कहाँ तक आ पहुँची हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ आप सभी लोग के साथ मेरी बेटी जो कि है आयशा, इसका नाम है आयशा सेवा रो कसरी गर्छ हात जोडे कसरी सेवा रो पहिला सबैलाई सेवा रो भन तो सबसे पहले बात करूंगी कि YouTube मैंने कहाँ से स्टार्ट की। जब मेरी बेटी 4 मंथ्स की थी तब मैंने मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया था। रीज़न ये था मेरा YouTube स्टार्ट करने का। अब मोबलू मैंने मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया था जब मेरी बेटी 4 मंथ्स की थी। सो गाइस जब मैंने मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मेरी बेटी 4 मंथ्स की थी, यानी कि 4 महीने की थी। तब मैं रात भर बहुत ही ज़्यादा YouTube देखती थी, YouTube ब्लॉग्स वगैरह, YouTube प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा देखती थी। तो अचानक एक दिन YouTube पे आया कि आप YouTube से पैसे भी कमा सकते हो। तो ये बात मेरे दिमाग में इस तरह से गड़ गया, यानी कि मतलब मुझे अब पैसे कमाना है YouTube से, बस मुझे पैसे कमाना है YouTube से। उसी दिन से मैंने मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया जब मेरी बेटी 4 मंथ्स की थी। तब मैंने 4 मंथ्स बेबी एक्टिविटी डाला था अपने चैनल पर, एक भी व्यूज़ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैंने उसको कंटिन्यू किया, फिर से व्लॉग्स भी डाला मैंने। मैंने अपना सिटी यानी कि मेरा टाउन का जितना भी मार्केटिंग एरिया है वो सारे का वीडियोस अपलोड किया अपने चैनल पर। बेबीज़ का माइलस्टोन अपलोड किया, उसके बाद बेबी फूड से रिलेटेड अपलोड किया, लेकिन फिर भी मेरे मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे थे मेरे चैनल पर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपलोड किया था 5 मंथ्स बेबी फूड, यानी कि घर पे बच्चे को खाना कैसे खिलाता है विद द हेल्प ऑफ स्पून, तब वो वीडियो मेरा वायरल हो गया। उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगे मेरे चैनल को, और भी कमेंट्स आने लगे कि आप यानी कि बेबी फूड से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड कीजिएगा ये वो। तो मैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो वीडियोस कंटिन्यू करने लगी, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी कंप्लीटेड, तब मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था, टोटली बंद कर दिया था। मुझे लगा कि यहाँ से पैसे बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको लगता होगा कि वो पैसे के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और पैसे पैसे पैसे। लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ, जब बात पैसे की आती है तब सबके दिमाग घूम जाते हैं। एंड जितने भी यूट्यूबर्स हैं यानी कि जितने भी यूट्यूब पर काम करते हैं वो सभी पैसे के लिए ही आए हैं। कभी बोलते हैं कि फेम कमाने के लिए, कभी बोलते हैं कि नाम कमाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग आते हैं वो सारे पैसे के लिए। जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तब उन लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, मतलब हो जाता है टोटली बिहेवियर। तब से वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो नाम के लिए आया, नहीं मैं तो फेम के लिए आया, नहीं मैं तो वो के लिए आया, बस यही चलता जाता है। लेकिन जब भी स्टार्टिंग में आता है, बिगिनिंग में कोई भी फेम के लिए इतना मेहनत नहीं करता है जितना पैसे के लिए लोग मेहनत करते हैं। मैंने भी बहुत ही मेहनत किया है पैसे के लिए कि मैं यूट्यूब से पैसे अर्न करूँगी, लेकिन जो आपको वीडियोस में बताता है कि आप ऐसा करो ऐसा करो आप पैसा अर्न कर सकते हो, आप वैसा करो पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट डाल रहे हो, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपका, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, आपको शेयर करना पड़ता है। लोग
मतलब जितना भी मैंने टेक चैनल्स वगैरह देखे हैं वो सभी लोग बोलते हैं कि शेयर करने से टीआरपी क्या होता है, शेयर करने से वो होता है, शेयर करने से ये होता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। सभी लोग शेयर करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए, अगर आप लोग एक पर्टिकुलरली एक शॉप ओपन कर रहे हो तो उससे पहले भी आप लोग उसका सभी को आमंत्रण करते हो कि मैं शॉप ओपन कर रहा हूँ, आप आइएगा, आप लोग इनविटेशन देते हो, ये फैक्ट है। तो YouTube पे भी आपको मतलब शेयर तो करना ही पड़ता है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका नया चैनल है, न्यू चैनल, आप किस तरह के कंटेंट ऐड कर रहे हो वहाँ पर, आप किस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हो, आपका रीज़न क्या है, आपके वीडियोस में क्या है ऐसा जो लोगों को देखना चाहिए, ये लोगों को पता नहीं होता है। तो आपको शेयर करना पड़ता है। मैंने भी बहुत सारे शेयर किए हैं, मैंने अपने दोस्तों को शेयर किया, अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी को शेयर किया। आपको सब कुछ शेयर करना पड़ता है यूट्यूब पर भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं बोलते कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन आप सभी लोगों के साथ मैं फैक्ट शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब पे वीडियोस भी शेयर करने पड़ते हैं, एंड जितने भी यूट्यूब पे लोग आए हैं वो सभी पैसों के लिए आए। एग्जांपल, मैं भी पैसों के लिए ही आई हूँ यूट्यूब पे। लेकिन जब मुझे फर्स्ट पेमेंट मिल गया तब मुझे ऐसा लगा कि पैसे से मतलब यानी कि उतना आसान नहीं है यूट्यूब पर पैसे कमाना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और एक चीज़ बात मैंने नोटिस की है यूट्यूब पे, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यूट्यूब पे उनका व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जो लोग फालतू का बकवास का बनाते हैं उन लोगों का बहुत सारे व्यूज़ वगैरह क्या क्या, उन लोगों का बहुत प्रमोशंस वगैरह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे भी जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं लेकिन उनका चैनल अभी भी इधर ही है। ऊपर जाने के लिए आपको या फिर व्यूज़ खरीदने पड़ते हैं, ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए आपको व्यूज़ खरीदना भी पड़ता है। पता नहीं और क्या करते नहीं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। लेकिन जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से मुझे दिन में 2 से 3 बार तो ईमेल्स आते रहते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपका ये बहुत अच्छा है, आपको व्यूज़ खरीदना चाहिए, हम लोग इतने डॉलर में इतना व्यूज़ देते हैं, इतना लाइक्स देते हैं, ये सब ईमेल्स आते हैं मुझे रोज़। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर 5 व्यूज़ भी मेरे वीडियोस पर आते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, अगर 5,000 व्यूज़ भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे जो 1 साल पुराने वीडियोज़ है मेरे, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए हैं मुझे, लेकिन उस पर भी मैं खुश हूँ। अभी जो फ़िलहाल मैं मतलब रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड करती हूँ उस पर मुझे 4 से 5 व्यूज़, हाईस्टली 40 व्यूज़, 80 व्यूज़, 100 व्यूज़ आते हैं, उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन यूट्यूब से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, वो सभी आपको बताऊँगी। एंड वीडियो अगर थोड़ा बहुत लंबा हो जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद मैं बीच में बंद कर दिया YouTube को, क्योंकि व्यूज़ आना बंद हो गया था तो YouTube बंद कर दिया। फिर उसके बाद अचानक से मुझे व्यूज़ आने लगे, फिर से व्यूज़ आने लगे, फिर से कमेंट्स आने लगे, फिर से मैं रिकंटिन्यू करने लगी। सेरेलेक एक मेरा जो 6 मंथ्स बेबी फूड सेरेलेक था उसमें बहुत ज़्यादा हाइएस्ट व्यूज़ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वही है मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो। तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे, कमेंट्स आने लगे। फिर उसके बाद मैंने 8 मंथ्स का किया, 10 मंथ्स का किया, 12 मंथ्स का किया, मैंने बहुत सारे ऐसे सेरेलेक वीडियोज़ अपलोड किए। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं, मेरा चैनल पर्टिकुलरली बेबी प्रोडक्ट्स या फिर बेबी हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, मैं ऑल टाइप्स का वीडियो करती हूँ, व्लॉग्स भी करती हूँ, समटाइम्स जो मेरा मन चाहता है मैं वही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, चाहे उसमें व्यूज़ कम आए या फिर ज़्यादा आए, मुझे जो अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे जो करना, जो फ्री टाइम मुझे मिलता है, जब घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, जब बच्चे मतलब मेरी बेटी जब सो जाती है, जब मुझे कुछ कोई काम नहीं होता है, तब अगर मुझे कुछ भी बनाना हो या फिर फूड बनाना हो या फिर मेकअप करना हो, मेकअप प्रोडक्ट्स रिव्यू देना हो, या फिर घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मैंने यूज़ किया है और मुझे काफ़ी बहुत सारा अच्छा लगा हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो, सभी का वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी मिक्स एंड मैच होना चाहिए, एक ही कंटेंट डाल डाल के लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, जो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है एंड मेरा एक्सपीरियंस है। सभी कंटेंट डालने से क्या होता है कि सभी डालने से सभी प्रकार के लोग आएंगे आपके चैनल पर, बेबी से रिलेटेड मतलब देखने वाला भी आएगा, मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स का भी आएगा, सब कुछ ऐसा हो सकता है। मैं मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड
अब बात करती हूँ, तब वीडियो वायरल होने लगा एंड उसके बाद मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज। जब मेरा चैनल हुआ था मोनेटाइज, तब उसके बाद मुझे एडसेंस से, मतलब एडसेंस पिन मुझे रिसीव हुआ था पोस्ट ऑफिस में एंड स्पीड पोस्ट के थ्रू हुआ था। लेकिन अगर आप लोग के पोस्ट ऑफिस पे जान पहचान के लोग हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो एडसेंस से पिन भेजता है वहाँ पर आपको नंबर नहीं देता है, बारकोड नहीं देता है आपको। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में देने से इनकार कर देते हैं कि आपके पास बारकोड नहीं है, ये नहीं। मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं बाकी के साथ हुआ है या फिर नहीं। जब मेरी बेटी 4 मंथ्स की थी तब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अब मेरी बेटी हो गई है 2 साल की, तब मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि मुझे कितने साल एंड कितने महीने बाद मुझे मेरा फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुआ है। तो जो मुझे एक्चुअल में पेमेंट रिसीव हुआ, मुझे वो अक्टूबर में ही रिसीव हो गया था। जो मतलब यूट्यूब का ऐसा होता है कि आपको हर एक महीने 11 तारीख को अपडेट होते हैं एडसेंस में, गूगल एडसेंस में, कि आपका अर्निंग कितना हुआ है। एंड 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपको पेमेंट कर दिया जाता है। तो मेरा अक्टूबर 11 तारीख को ही मतलब सब कुछ हो गया था, मतलब $114 यानी कि $114 मेरे बन गए थे, उससे भी ज़्यादा बन गए थे। लेकिन गूगल एडसेंस में 11 तारीख को $114 दिखाया था। एंड मुझे अक्टूबर के 23rd में मुझे मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ था। उसके लिए भी आपको मतलब बैंक अकाउंट में भी आपको बहुत ही अच्छा वाला बैंक अकाउंट चाहिए, जिसमें आपका स्विफ्ट कोड अवेलेबल हो, यानी कि आपका फॉरेन ट्रांजेक्शन हो सके। तो इस टाइप के आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अमाउंट है आप हिसाब लगा सकते हो। आपको मैं फ्रेंकली भी बोल सकती हूँ कि मुझे कितना मिला है, लेकिन अभी फिर से कैलकुलेट करना वगैरह तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। $114 है एंड अभी फिलहाल आपका $1 इक्वल्स टू इंडियन रुपीज में आपका 73 रुपीज होगा, समथिंग 73 या फिर 74 समथिंग इतना होगा। तो आप 114 इंटू 73 या फिर 74 कर सकते हो एंड आपको पता चल जाएगा फाइनल कि मुझे कितना पैसा मिला था। मैंने सोचा था वो सारे पैसे से मैं बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से एक पार्टी सेलिब्रेशन करूँगी यूट्यूब का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दशहरा शाम मतलब दशहरा पास में ही था एंड मुझे दशहरे के लिए भी फोकस करना था, घर पे फैमिली मेम्बर सब कुछ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब के साथ मेरा, बहुत ही मज़ा आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार मुझे मतलब $114 मिला, तो दूसरी बार मुझे $214 मिले इनकम। तो आप लोग की आशीर्वाद की वजह से आप लोग मेरे चैनल पे हो, आप लोग ने मेरे वीडियोस देखे हैं, सबसे बड़ा हकदार आप लोग हो। तो आपको भी मैं दिल से शुक्रिया करने चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे आज इतना अर्निंग हुआ। अगर आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते तो पता नहीं क्या होता। एंड एक और मुझे यूट्यूब से मैं एक और मतलब बहुत अच्छा मैंने काम किया यूट्यूब से, जो कि है सिमसिम मल्टीप्लाई। सिमसिम मल्टीप्लाई में भी मैंने यूट्यूब के थ्रू ही उसको मिला मुझे, मतलब सिमसिम मल्टीप्लाई में मैं एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे काम करने को मिला। वो भी मतलब अगर मैं यूट्यूब पे नहीं होती तो मैं सिमसिम में भी नहीं होती। तो मैं फुल क्रेडिट यूट्यूब पे देना चाहती हूँ कि यूट्यूब की वजह से मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। मैं मतलब पहले मैं क्या थी, उसके बाद जब यूट्यूब स्टार्ट किया धीरे 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 मतलब मैं बहुत ही आगे गई। एंड अगर यूट्यूब से भी कोई अर्निंग नहीं होती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। एंड सिमसिम मल्टीप्लाई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं एंड आपको अलग से वीडियो इनकम भी मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा है सिमसिम मल्टीप्लाई। तो अगर आप लोग भी उस पर इन्फ्लुएंसर एज अ इन्फ्लुएंसर काम करना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हो एंड आप बता सकते हो और एक वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उससे रिलेटेड बनाने के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ तो
आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ने दूंगी, मैं भी बढ़ूंगी, आप लोगों को भी साथ लेकर चलूंगी। तो अगर आप लोगों को सिमसिम मल्टीप्लाई में एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। एंड आपको पता चल गया होगा कि मुझे मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कितना मिला एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड साइड में मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बात कर रही है, वो 2 साल की हो चुकी है, वो बहुत ही ज़्यादा ही बात करती है, बहुत ज़्यादा बात करती है। तो बैकग्राउंड में आप लोगों को बहुत सारे नॉइजेस आ रहे हैं उसके, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एंड एक और बात, अगर आप लोगों को यूट्यूब से रिलेटेड कुछ और भी जानना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड कोई और भी जानना चाहती हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो, यानी कि सिमसिम मल्टीप्लाई इन्फ्लुएंसर से भी कोई रिलेटेड करना, मतलब किसी को जानना है तो आप जान सकते हो। उससे रिलेटेड पूरी वीडियोस में बनाने की कोशिश करूँगी, बहुत ही आसान है सिमसिम मल्टीप्लाई में, चैलेंज जैसा आता है बहुत ही सिंपल है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो लंबा हो तो आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।